News 18, India. बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गजवा हिंद पर फतवा देकर दारुल उलूम विवादों में आ गए हैं। हिंदूवादी संगठन के साथ साथ ही सरकारी संस्थाओं ने भी दारुल उलूम पर एक्शन होने की मांग की है। इस बीच आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल ने दारुल उलूम देवबंद पर FIR दर्ज कर इसे बंद करने की भी मांग की है। उन्होंने ये तक कहा है कि आतंकवादियों को पालने वाली ये संस्था है। यही नहीं, उन्होंने दारुल उलूम पर भारत के खिलाफ साजिश रचने का भी आरोप लगाया। इस पर अविलंब कार्रवाई जरूरी है, नहीं तो ये विश्वमन करने वाले सांप जाने कितनों को निगल जाएंगे। जिसको इस्लाम के अनुसार से लेजिटिमेट कर रहे हैं, वही भारत के कानून के हिसाब से देशद्रोह है। इसके परिभाषा को इनको समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा और उनकी भाषा पर भी नियंत्रण करना पड़ेगा। इस तरह के अनेक फतवे इन्होंने पास्ट में भी जारी किए हैं। ये आतंक की जननी इस संस्था को पर प्रतिबंध अविलंब जरूरी है। न केवल हिंदुस्तान को बल्कि पूरे दुनिया को ये लोग और ये जो है इस्लामीकरण करना चाहते हैं। इनके आतंकवादियों तो संपर्क संबंध पहले भी मिले हैं, कई बार जांच में एक खुलासा हो चुका है। और इस प्रकार का जो ये एक पत्र और बाल संरक्षण आयोग की ओर से ये जारी किया गया है FIR दर्ज करने के लिए, तुरंत दारुल उलूम के लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। और दारुल उलूम पर केवल FIR दर्ज ना हो, दारुल उलूम पर ताला लगना चाहिए। ये हमारी मांग थी और ये भी फिर पुनः उस मांग को दोहराते हैं। और दारुल उलूम के गजवाए हिंद को मान्यता देने वाले फतवे पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने DM को पत्र लिख दिया है और FIR दर्ज करने को भी कह दिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज है। निर्देश आने के बाद सहारनपुर के जिला अधिकारी ने SDM और CO देवबंद को एक्शन लेने को कहा है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने दारुल उलूम के गजवाए हिंद पर दिए फतवे को देश विरोधी बता दिया है। दारुल उलूम के फतवे में गजवाए हिंद का महिमा मंडन करने का भी आरोप लगाया गया है। हजारों मदरसे दारुल उलूम देवबंद से रिलीजियस एकेडमिक एफिलिएशन लेते हैं, जो इनके बताए रास्ते पर चलते हैं। दारुल उलूम ने एक फतवा जारी किया है, उस फतवे में उन्होंने गजवाए हिंद को ग्लोरीफाई किया है, लिजिटिमाइज किया है। उन्होंने ये बोला कि गजवाए हिंद के दौरान, यानी भारत पर आक्रमण करने के दौरान, यदि कोई मारा जाता है तो वो सर्वोच्च शहीद कहलाएगा, वो जन्नत ही होगा। ये संस्था पिछले 150 साल से इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त रही है। NCPCR ने ये आदेश दिए हैं कि ये अगेंस्ट है, बच्चों की राइट्स के अनुसार अधिकारों के हनन है और तमाम कानून की परिधियों के प्रतिकूल है। उसका राष्ट्रीय NCPC का एक आर्डर प्राप्त हुआ है, जिसमें FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को इस पत्र को भेजा गया है, साथ ही जिसके क्रम में CO और SDM देवन उसकी तस्दीक करके और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इस बीच कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी दारुल उलूम के फतवे का विरोध कर रहे हैं। जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष कारी अबरार जमाल ने कहा है कि इस तरह का फतवा सिर्फ सियासत का हिस्सा है। इतनी खूबसूरत गंगा जमुना तहजीब जैसी मिसाल वाले देश के अंदर इस तरह के फतवों का वायरल होना और उस पर सियासी रोटी सेकना, ये देश को नुकसान पहुंचाना, देश की तरक्की को, राष्ट्र की तरक्की को नुकसान पहुंचाना, इसके अलावा कुछ नहीं। दारुल उलूम के गजवाए हिंद पर दिए फतवे का जोरदार इस वक्त विरोध हो रहा है। कई धर्म गुरुओं ने दारुल उलूम पर एक्शन लेने की मांग कर दी है। फतवे का मतलब ये होता है, एक आदमी एक सवाल लिखकर देता है, उसका जवाब मुफ्ती लोग कागज पर लिखकर दे देते हैं। ये जो आप बता रहे हैं, जिस फतवे का आज जिक्र हो रहा है, ये आज का फतवा नहीं है, ये तो दसों साल पुराना है। और एक आदमी ने सवाल किया कि साहब क्या गजवाए हिंद का जिक्र है हदीस की किताबों में? उन्होंने उसका जवाब दिया कि हाँ जिक्र है। लोगों की जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण होती हैं और जब वो लोग बड़े होने के बाद अपनी बड़ी जिम्मेदारी का बोध ना कर अब बहुत तरह के फतवे वेबसाइट पर जारी करने लगे तो उसके परिणाम निसंदेह घातक तो होते ही हैं, दुखद भी होते हैं। बताइए कौन सा देश ऐसा है जिस देश में हम रह करके गजवाए हिंद करते हैं? कोई एक व्यक्ति, कोई एक देश बताइए।
उधर दारुल उलूम के फतवे पर बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने दारुल उलूम का नाता आतंकवाद से बताया है, जबकि कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने दारुल उलूम देवबंद के फतवे का बचाव किया है। उसे गजवा नहीं कहते, बल्कि ये एक तरह से तखरीबकारी है जो लोग कर रहे हैं। यानी मैं आज ये बात कहूँगा कि मदरसों के अंदर आज तेजी के साथ मदरसे मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। मैं उत्तराखंड सरकार के अंदर जो मदरसे हैं हमारे, हमने मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण से जोड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पूरा सिलेबस जो है तैयार किया है, और NCERT का सिलेबस है, उसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि वो बच्चे राष्ट्रवाद से जुड़ सकें और राष्ट्रवादी विचारधारा उनकी विचारधारा हो। लादेन से लेकर बगदादी तक उसी विचार से जुड़े हुए लोग रहे हैं। तो देवबंद में तो हमेशा इस काम हुआ है, कब नहीं। हमारी इंटेलिजेंस ने हमेशा बताया है कि देवबंद आतंकी गतिविधियों में लिप्त है, आतंकी यहाँ से पकड़े जाते हैं, हमेशा होता है। तो ये कौन सा नया काम देवबंद ने किया है। और बड़ी खबर, कर्नाटक में मंदिरों से टैक्स से जुड़े हुए विधेयक के बाद अब सियासी घमासान मचा हुआ है। इस मामले में सिद्धरमैया सरकार घिर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा दिया है। वहीं सिद्धरमैया ने आरोपों को बेबुनियाद बता दिया। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने एक बयान जारी कर ये कहा कि ऐसा लगता है कि इन आरोपों को राजनीतिक फायदे के लिए गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र पर भी निशाना साधा। बुधवार को कर्नाटक विधानसभा में कर्नाटक में मंदिरों से टैक्स से बिल पास किया गया है। ये सबसे बड़ी खबर कर्नाटक से जुड़ी हुई इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सरकार वहां पर घिरती हुई दिखाई दे रही है। मंदिरों से टैक्स से जुड़े विधेयक के बाद ये सियासी घमासान वहां पर छिड़ गया है। इस मामले में आपको मैं बता दूं, सिद्धरमैया सरकार घिर गई है और भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से हमलावर है। कर्नाटक सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। हालांकि दूसरी तरफ आप देखिए, अब किनारा किया है इन बयानों से, आरोपों को लेकर सफाई दी है सिद्धरमैया ने और इन आरोपों को बेबुनियाद बता दिया है। मुख्यमंत्री ने एक बयान बकायदा इसको लेकर जारी किया और ये कहा कि लगता है इन आरोपों को राजनीतिक फायदे के लिए गलत तरीके से पेश किया गया। और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान भी जारी किया है। उन्होंने ट्वीट करके ये लिखा है कि ऐसा लगता है कि आरोपों को राजनीतिक फायदे के लिए गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, हिंदू संस्थाओं के धार्मिक